काला सूट बूट, काला चश्मा और खतरनाक हथियारों से लैस पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडोज को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा एसपीजी कमांडोज को लेकर हैरान करने वाला है। वीडियो पीएम नरेंद्र मोदी का है। इस वीडियो को लोग शेयर कर दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ उनके एसपीजी कमांडोज भी धोती पहनकर मंदिर के अंदर पहुंचे। ये दावे कितने सच हैं उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के इतने करीब एसपीजी कमांडोज के अलावा किसी और के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल है। सोशल मीडिया पर कई लोग अब इसके बारे में लिख रहे हैं। अगर दावा सही है तो आप देख सकते हैं कि एसपीजी कमांडोज ने पीएम मोदी को घेर रखा है, कुछ उनके आगे तो कुछ पीछे चल रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पीएम मोदी 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं जो एक तपस्वी की तरह है। वहीं इसी के मद्देनजर पीएम मोदी केरल के त्रिशूर जिले में विख्यात गुरुवायूर मंदिर पहुंचे, जहां पीएम पूजा के दौरान पारंपरिक परिधान मुंडू यानी कि धोती और वेष्टी यानी सफेद शॉल धारण किए नजर आए। बताया जा रहा है कि मंदिर के नियमों का पालन करते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडोज भी धोती में नजर आए। जिस तरह से पीएम की सुरक्षा घेरा बनाया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि ये सभी एसपीजी कमांडोज ही हैं। इन सभी की चाल ढाल भी ऐसी है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि एसपीजी कमांडो ही हैं। हालांकि एनबीटी ऑनलाइन इसकी पुष्टि नहीं करता है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग वीडियो पोस्ट कर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी के साथ एसपीजी कमांडो सनातनी वेशभूषा में कितने अच्छे लग रहे हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि सनातनियों का अलग ही जलवा है। 22 तारीख को अयोध्या में पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और अगर केरल में ऐसे पारंपरिक वेशभूषा में एसपीजी कमांडोज नजर आए तो लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि क्या अयोध्या में भी एसपीजी कमांडोज अलग वेशभूषा में नजर आएंगे। बता दें कि देश में अभी एसपीजी सुरक्षा सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलती है। पहले एसपीजी सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को भी मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने कानून में संशोधन किया। इसमें प्रावधान किया गया सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही एसपीजी की सुरक्षा अब मिलती है। अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उनकी हत्या के बाद अधिकारियों ने तय किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी करे। इसके लिए 1988 में संसद में एसपीजी एक्ट पारित किया गया और इसी तरह से एसपीजी का गठन हुआ था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।